नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जून की 29 तारीख है और आज हम फूल मालाओं से गेंदा ग्रो करेंगे। तो ये जो गेंदे का सीड है ये फ्री में ही हमें मिल जाता है, तो आप चाहें तो कहीं अच्छी शॉप से भी खरीद सकते हैं, सीड शॉप से, या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो मैं ये अभी ये ग्रो करूँगी। जो दिवाली की फूल मालाएं पड़ी होती हैं तो मैं इन्हें रख लेती हूँ, और इनमें जैसे मुझे कलर ये थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा है, ये भी ग्रो करूँगी और ये भी ग्रो करूँगी। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपने फूल ग्रो किया है तो बिल्कुल ऐसे ही फूल आएँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब हमारे आसपास खूब सारे फूल गेंदे के लगे होते हैं, कई सारी किस्में होती हैं इनकी, तो सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है कि जो ये फूल लगा है, जब हम सीड लगाते हैं तो कुछ सेम कलर के और सेम ऐसे डबल वाले खिले हुए भरे हुए आएंगे, और जो कुछ सिंगल वाले भी हो सकते हैं, तो इस तरह से निकल जाते हैं वो। तो जब फूल खिलने लगते हैं, मुझे जो पसंद नहीं होते हैं, मैं फिर वो पौधे निकाल देती हूँ। जब उन पे फ्लावर बर्ड्स बनते हैं तो तभी पता चल जाता है कि ये किस तरह का फूल होगा। और ये गुंथे हुए जब आते हैं, मैं उन प्लांट्स को रख लेती हूँ, जैसा आपका मन करे। तो ये मैंने चीज़ शेयर कर दी है, इस पर मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अभी तो पहले क्या करना पड़ता है, इन्हें डायरेक्टली अगर आप क्यारी में ग्रो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और फिर बाद में थिनिंग कर दें, क्योंकि इनके जो प्लांट्स हैं खूब सारे निकल आते हैं, या फिर गमले में पोत तैयार करनी पड़ती है। और जब सीडलिंग तैयार हो जाती है, हाथ पर जितनी हो जाए, फिर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये जो है ये वाला गेंदा, तो मैं ये कुछ सीड इसके ले रही हूँ इस तरह से, ये ऐसे निकाल ले रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखा, ये इस पे ये हैं, ये ब्लैक कलर के सीड, ये हैं सीड इसके, ये दिखा, ये ऐसे सीड हैं। तो ये पेटल्स के साथ ही लेने हैं हमें, और भी मैं निकाल लूँगी। ये ऐसे इधर रख देती हूँ मैं निकाल के किसी जगह में। और अलग अलग कलर के फूल, जैसे कोई लाइट कलर के हैं, कोई डार्क कलर के हैं, तो ये लाइट कलर वाले भी, तो ये इस तरह से लेने हैं। और ये सीड जो है, बस ये नहीं, ऐसे नहीं टूटना चाहिए, ऐसे नहीं टूटना चाहिए, ये ऐसे आधा हो गया तो नहीं निकलेगा फिर, ये इस तरह से खूब निकल जाते हैं, ये ऐसे साबुत होने चाहिए। पेटल्स के साथ भी आप लगा सकते हैं, ये इस तरह से, ये ब्लैक कलर यहाँ तक, ये पूरे साबुत होने चाहिए। तो ये ऐसे ले लेने हैं। तो लास्ट ईयर जो मैंने रेनी सीजन में इन्हें ग्रो किया था, इस तरह से मैं और भी निकाल लूँगी। तो वो मैंने 26 तारीख को, 26 जून को ग्रो किए थे, और उसके बाद भी फिर मैं ग्रो करती रहती हूँ, क्योंकि ये 3-4 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और फ्रेंच मैरी गोल्ड भी आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, जैसे अभी मैं करूँगी, तो वो मैं कल या परसों करूँगी। बरसात का इंतज़ार कर रही थी, पर बरसात तो अभी तक मेरे यहाँ आई नहीं है, और मैंने कहा चलो अभी लगा ही देते हैं। तो बस ये पुराने गमले की मिट्टी, कोई भी, चाहे आप नई बनाना चाहें, पुरानी बनाना चाहें, जिसमें आप प्लांट्स लगाते हैं उस मिट्टी में आप सीधे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने कोई प्लांट निकाला था, ये ऐसे मैंने निकाल ली है मिट्टी, और इसे ऐसे भुरभुरा कर दिया है। तो इसमें मेरे कोई प्लांट चल रहा था, और मिट्टी मेरी हल्की मॉइस्ट ही है, पर फिर भी मैं थोड़ा पानी इसमें दूंगी। जो मैंने पूरी जानकारी बताई हुई है, चाहे तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड ले लो, चाहे फ्रेंच मैरीगोल्ड, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कैसी केयर करनी है, तो उस पर मैंने वीडियो नंबर 691 बनाया हुआ है, तो वो आप देख लें, पूरी जानकारी है। ये ऐसे स्प्रिंकल करने हैं, तो बहुत सारे मेरे वीडियोस जो बने हुए हैं उन पे और मैरीगोल्ड पे, तो आप मैरीगोल्ड लिखें, डॉट डॉट मंजू हांडा लिखें, तो आप पे मेरे जो है वीडियोस आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो आप फिर उन्हें देख सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। बस ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे स्प्रिंकल कर देने, खूब सारे ये सीड निकल आएंगे आपके, और फिर जब आपका मन करे तो आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर दें। ये इसे जो मिट्टी चाहिए होती है, जो बस ऐसे इस तरह से बस मिलाने हैं, ज़्यादा नहीं करने ऐसे, क्योंकि बड़े हल्के से सीड होते हैं इसके, और ज़्यादा गहरे से दबाते हैं अगर फिर बरसातें हो जाती हैं,
तो ये सीड जो आपके हैं ख़राब हो सकते हैं, बस इस तरह से। और पानी दे देना है, और कुछ और भी मैं लगाऊंगी, और एक पॉली बैग में भी, इस तरह से अगर आपके पास घर में बैग हैं तो आप उनमें भी ग्रो कर सकते हैं। ये मिट्टी मेरी भुरभुरी है, ये भी कोई पौधा निकला, तो बस ये पौध इसमें तैयार करनी है। और इसमें से अगर तैयार हो जाते हैं तो फिर आप निकाल के कुछ पौधे इसमें भी रहने दे सकते हैं, इनमें भी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही जो है हार्डी प्लांट होते हैं, जो फ्रेंच मैरीगोल्ड को पोरस मिट्टी, उन्हें बड़ी अच्छे से चलते हैं पोरस मिट्टी में, भुरभुरी मिट्टी जैसी होनी चाहिए। और जो आपने अफ्रीकन मैरीगोल्ड लगाना है तो इन्हें रिच सॉइल, ऑर्गेनिक मिट्टी, ऑर्गेनिक चीज़ें मिली मिट्टी बहुत ही पसंद है, उसमें लगाना है। तो जब हम मिट्टी वगैरह हम तब बनाएंगे फिर, अब जब हम इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे। तो बस आप ऐसे कुछ सीड आप मालाओं के ऐसे डाल दीजिए, ये ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए, और 3-4 दिन में ही ये आपके खूब सारे जो पौधे निकल आएंगे, ढेर सारे निकल आएंगे। और फिर आप कुछ दिनों बाद भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं, ये ऐसे डालते हैं मैंने। और अब मैं इसमें इसको बस ऐसे हल्के से करना है, इस तरह से। और मिट्टी को जो पौधे निकलने तक मॉइस्ट ही रखना है, वैसे भी इसके प्लांट्स को जो है मिट्टी, हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, इस तरह से। तो वैसे अगर बरसात हो रही होती तो मैं इसे पूरे दिन की धूप में रखती। कल के यहाँ का मेरा जो टेम्परेचर था वो 43 डिग्री था, तो अभी बरसात तो आई नहीं है, तो मेरे नेट अभी लगा ही हुआ है, तो मैं साइड में रखूंगी, नेट के साइड में, यहाँ की तेज धूप आती हो वहीं पे रखना है ऐसे, बस ऐसे, बस ये हमारे लग गए, तो हो गया। और जो जानकारी पूरी चाहते हैं तो वीडियो नंबर 691 में पूरी जानकारी ले लें। और ऐसे ही तरीके से, सेम ऐसे तरीके से आपने फ्रेंच मैरीगोल्ड भी लगा देना है। तो जो लंबे वाले प्लांट्स होते हैं उनमें भी फूल आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अभी लगा दीजिए, और 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद फिर ग्रो कर देना। क्योंकि जब ताज़े ताज़े जो प्लांट्स फूल देने के लिए तैयार होते हैं तो उनमें खूब सारे फूल आते हैं, और जब प्लांट्स जो पुराने हो जाते हैं तो फिर उनमें फूल कम आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ये जो अब लगा दिए हैं ये दिवाली से पहले खिलना शुरू हो जाएंगे, और फिर जो मैं कुछ टाइम बाद में ग्रो करूँगी, और फिर जब उनकी लाइफ ख़त्म होना स्टार्ट होगी, फूल कम आना स्टार्ट होंगे, तो मेरे न्यू वाले प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो अगर मेरे बहन भाई अभी नहीं लगाना चाहते हैं तो रुक रुक के लगाना चाहते हैं, तो उनका मन है वो हफ्ता भर रुक भी सकते हैं, या 2 हफ्ता बाद भी, तो फिर उनके फूल जो है बाद में आएंगे, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और जो हाइब्रिड वाले होते हैं तो वो 1.5 महीने में, 1.5 पौने 2 महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हें मैं फिर ज़्यादातर मैं सितंबर अक्टूबर में, और फिर जो है गर्मियों से पहले तक ग्रो करती ही रहती हूँ, तो मई से पहले तक उनमें फूल आते ही रहते हैं। तो ये मैंने बालसम भी ग्रो कर दिए हैं, तो आप भी कर दीजिए इस तरह से, तो ये आप बहुत जल्दी तैयार होते हैं। और ये भी 1.5-2 महीने में, 1.5-2 महीने में, 1.5 महीने में तो फूल आना स्टार्ट हो जाता है, 1.5-2 महीने में इसमें अच्छे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।